अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, द बलून। हम इसकी रीडिंग करेंगे और हमारा हैश 87 में क्लास वर्क है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज 60 एंड 61, एक्सप्लेन एक्सरसाइज ए बुक पेज नंबर 60। सही है, तो हम सबसे पहले हम पेज नंबर 60 और 61 की रीडिंग करते हैं। तो ओपन बुक पेज नंबर 60, यह आपका न्यू चैप्टर है द बलून, पेज नंबर 60। तो रीड करेंगे, What was the other balloon? अब हमारा ये सवाल है, अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अदर बलून से मुराद क्या है कि अदर बलून वो कहाँ होते हैं? अब अदर बलून का क्या मतलब, बलून से रिलेटेड कुछ तो सिक्वेंसेज और कुछ तो मतलब है, अब पढ़ते हैं चलो। वंस देयर वॉज अ चाइल्ड कॉल्ड सना, एक बच्ची थी जिसका नाम था सना, हु लिव्ड इन इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद में रहती थी। She went shopping with her mother on one Saturday. एक हफ्ते के दिन वो अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग पे गई। She saw shoe. उसने देखा शॉप में क्लोथ्स शॉप्स एंड क्लोथ शॉप्स, फ्रूट स्टॉल्स। What other shops do you think she saw? आपको क्या लगता है कि उसने और क्या क्या देखा होगा? मार्केट में बच्चे आप लोग तो जाते ही हो, तो आपको पता ही होगा कि आप क्या क्या देखते हो। बहुत सी स्टॉल्स देखते हो, बहुत सी शॉप्स मजीद देखते हो। सनास मदर बोट सम बनानास, उसकी अम्मी ने क्या लिया, बनाना लिया। पेयर ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनर्स किसको कहते हैं, ट्रेनर्स कहते हैं, ट्रेनर्स कहते हैं इसे, ठीक है। एंड अ शर्ट, वॉट अदर थिंग्स डू यू थिंक शी बोट, और आपको क्या लगता है कि उसने और क्या क्या लिया होगा। एट द क्लोथ शॉप्स, क्लोथ शॉप से, ठीक है। सनास मदर सो अ फ्रेंड, सना की अम्मी ने अपनी एक दोस्त को देखा। दे टॉक एंड टॉक्ड एंड टॉक्ड, उससे बात करती गई और करती गई। सना वॉज बोर्ड, सना बोर हो गई। देन शी सो अ बलून, फिर उसने एक बलून देखा। सेलर विथ लॉट्स ऑफ लवली बलून्स, उसने एक बलून बेचने वाले को देखा जिसके पास बहुत से बलून्स थे। प्लीज कैन आई हैव अ बलून मम, आस्क्ड सना। सना ने अपनी मामा से पूछा, क्या मैं बलून ले सकती हूँ। ओ ऑल राइट डियर, सेड हर मदर, ठीक है बेटा ले लो। शी चूज अ बिग रेड बलून, उसने क्या एक रेड बलून चूज किया। एंड शी इज सना, इट्स ब्यूटीफुल, सना ने कहा बहुत प्यारा है। आई होप इट वॉन्ट बस्ट, अलग मतलब वो चाहती थी कि वो बिल्कुल भी ना फटे। सनास मदर वेंट ऑन टॉकिंग टू हर फ्रेंड, सना की अम्मी उससे अपनी दोस्त से ही बात करती जा रही थी। सडनली अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, अचानक से कुछ हुआ। सनास बलून वेंट अप, सना का बलून उड़ने लगा ऊपर। एंड सना वेंट अप टू, और वो भी ऊपर उड़ने लगी। हेल्प मामा, उसने रोते हुए कहा, क्राइड मतलब रोना। बट हर मदर वॉज टॉकिंग एंड डिडंट हियर, उसकी मम्मा बात में इतनी मसरूफ थी कि उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। सना वॉज टेरिफाइड, सना डर गई और उड़ती गई। फिर उसने नीचे देखा, नीचे देख के क्या, फर्स्ट शी सो द रोड बिलो हर, उसने रोड देखा। शी सो द शू शॉप, उसने शू शॉप्स देखी। द क्लोथ शॉप्स, फ्रूट स्टॉल्स, और क्या क्या देखा आप बताइए, ठीक है। मम्मा हेल्प, रोते हुए चिल्लाया बट मम्मा ने नहीं सुना। अगेन एज अ मदर ग्रू स्मॉलर एंड स्मॉलर, और उसकी अम्मी दूर ऊपर, वो ऊपर होती गई ना, तो उसकी मम्मा छोटी से छोटी दिखती गई। सून सना कुडंट सी हर मदर एट ऑल, और सना को अम्मी नज़र भी नहीं आ रही। शी थॉट आई होप द बलून वॉन्ट बस्ट, उसने बोला ओ डियर, मतलब उसने बोला ओ डियर। शी थॉट, उसने सोचा ए माँ कहीं बलून फट ना जाए। यरा बलून, सना आप कहाँ पहुँची। सना वेंट हायर, सना और ऊपर चली गई है। When she looked down, उसने नीचे देखा। She saw all of Islamabad below, और उसने पूरा इस्लामाबाद नजर आ रहा है। She saw a Faisal Mosque, उसने मस्जिद फैसल मस्जिद देखी। पार्लियामेंट हाउस देखे, परगाला हिल्स देखी, और क्या क्या देखी आप बताइए। Oh dear, thought Sana, I hope the balloon won't, वो यही सोचती थी अरे बलून ना फटे, बलून फटेगा मैं गिर जाऊंगी। सना और ऊपर उड़ती गई। फिर उसने क्या देखा, पाकिस्तान देखना शुरू हो गई, वो दुनिया से बाहर आ गई। शी सो द स्नोवी माउंटेन्स, सॉरी पाकिस्तान इसको नजर आने लगा, ठीक है। अभी तो वो दुनिया से बाहर नहीं, अभी मतलब पाकिस्तान का पूरा नज़ारा, उसे हिमालयाज, इंडस रिवर्स, स्नैकिंग डाउन द सीनियर कराची, सब कुछ उसे दिखने लगा। और उसने फिर सोचा कि काश बलून ना फटे। आफ्टर दैट सना एंड द बलून वेंट इवन हायर, उसके कुछ देर बाद सना और उसके बलून और ऊपर चले गए, जहाँ से आपको दिख रहा है कि कहाँ वो पाकिस्तान पे थी, कहाँ वो अर्थ से ही बाहर आ गई। When she looked down again, उसने फिर नीचे देखा, तो उसने देखा कि another big balloon covered with white clouds, ये से बलून समझी, बट ये एक अर्थ है जो हमारी क्या है, राउंड शेप में है, जो इसको लगा व्हाइट क्लाउड से ढकी हुई है। इट वॉज क्वाइट स्टिल एंड वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। शी वॉज एस्टोनिश्ड,
और वो गायब हो गया अचानक से. हाउ स्ट्रेंज शी थॉट, देयर्स अनदर बलून डाउन हियर, आई होप इट वॉन्ट बस, यहाँ कोई और ऐसा बलून नहीं जो नीचे हो. मतलब वो सोच, देयर्स अनदर बलून डाउन देयर, वहाँ पे कोई ऐसा बलून जो नीचे हो. और वो फिर सोची कि काश ना फटे. ठीक है, अब क्या होता है कि वो, अब सना क्या, वो बलून लेने की जिद करती है. फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका बलून इतना ऊपर आ जाता है कि पहले वो इस्लामाबाद देखती है, फिर पूरा पाकिस्तान, और फिर आउट ऑफ वर्ल्ड, मतलब दुनिया से बाहर आ जाती है. ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, आप इसे रीड कीजिएगा. ओके बेटा, नाउ एक्सरसाइज बी इज पुट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. अब हमें पहला कौन कौन सा सेंटेंस आया था हमें उसको करेक्ट करना है. तो ठीक है, तो द बलून एंड सना वेंट अप. ठीक है, ये हमारा थर्ड था, तो हमने थ्री लिखा. सना सो द अर्थ ब्लो हर, वो हमारा सेवन था. सना सो इस्लामाबाद ब्लो हर, आप यहाँ फाइव लिखेंगे. सना सो ऑल ऑफ पाकिस्तान ब्लो हर, फिर वो सिक्स सेंटेंस था. सना सो द रोड ब्लो हर, वो फोर था. दे बोट अ रेड बलून, वो टू था. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर. नहीं सॉरी, एक्सरसाइज ए पे. अभी हमें एक्सरसाइज सी नहीं करनी है. अब आपको क्या करना है, व्हाट वाज द अदर बलून, द अदर बलून वाज द अर्थ. आपको ये क्वेश्चन याद करना है. ठीक है, आपको रीडिंग करनी है होमवर्क में भी, और एक्सरसाइज ए याद करना है. ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.